बात करते मऊ की। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का मामला है। आरोपी अभिमन्यु ने सरेंडर किया है। चुनाव प्रचार के दौरान फेंकी गई थी ये स्याही। घोसी सीट से बीजेपी कैंडिडेट हैं दारा सिंह चौहान, और जिस आरोपी ने ये स्याही फेंकी थी उसे सरेंडर किया है। आरोपी अभिमन्यु है जिसने खुद सरेंडर किया। आपको ये बताएं, कल का ये मामला है। दोपहर के करीब जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे दारा सिंह चौहान, उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई, और अब इस पूरे मामले में जो आरोपी अभिमन्यु है उसने सरेंडर कर दिया है। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है जिसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं दारा सिंह चौहान भी, और ऐसे में जब वो प्रचार के लिए पहुंचे तो काली स्याही फेंकी गई, और जो काली स्याही फेंकी थी वो अभिमन्यु ने फेंकी थी। आरोपी अभिमन्यु ने सरेंडर किया है। अब आगे की पूछताछ जारी है। प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर। प्रकाश, अब क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, किस वजह से ये स्याही फेंकी गई, आगे अब क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो स्याही फेंकने वाला कांड था वो कल था दारा सिंह चौहान के ऊपर। चुनाव के दौरान स्याही फेंक कर जो आरोपी युवक भाग गया था वो आज सुबह कोपागंज थाने में सरेंडर किया है। सरेंडर करने के जो बातचीत करने पर पता चला कि वो लगातार भाजपा पर ही आरोप लगा रहा है। भाजपा के एक नेता है जिनके कहने पर उसने स्याही उनके ऊपर फेंका था, और फेंकने के बाद उन लोगों ने गारंटी लिया था कि इसको बचा लेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब बचाएंगे नहीं, इसलिए ये मजबूरन सरेंडर किया है कोपागंज थाने में। जानकारी ये मिल रही, फिलहाल पुलिस इनको हिरासत में ले ली है, हालांकि जांच कर रही है। जांचने के बाद जो भी तय होगा वो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कहना ये भी है कि जो आरोपी है वो किसी के बरगलाने पे इसने स्याही फेंका है। इसने ये स्वीकार कर रहा है, ऑन कैमरे पे बोल रहा है कि मुझे भाजपा के नेता द्वारा बोला गया कि स्याही फेंक दो, और स्याही फेंकने के बाद हम लोग बचा लेंगे तुमको। हालांकि उसको जब महसूस हुआ कि अब जिसने करवा दिया है वो बच नहीं पाएगा या जो भी हो, तो आज सुबह कोपागंज थाने में इसने सरेंडर कर दिया। जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए, तो भाजपा के कोई नेता था जिसने ये अभिमन्यु जो आरोपी है उसे कहा था स्याही फेंकने के लिए, और ये भी आश्वासन दिया था कि उससे बचा लिया जाएगा, लेकिन जो आरोप लग रहा है वो किसी भाजपा नेता पर लग रहा है। आगे कार्रवाई की जा रही है।